नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पीरिया टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि Facebook की प्रोफाइल में आप यूजर नेम आईडी कैसे ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपनी Facebook की प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ राइट साइड में आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको एक फेसबुक प्रोफाइल की यूज़र नेम आईडी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये यूज़र नेम आईडी के पीछे यहाँ पर कुछ आपको अंक देखने को मिल रहे हैं। इसके नहीं, इस ये जो आपको साइड में जो अंक देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप अपने नाम की जो भी आपने फेसबुक आईडी नाम से बनाई है वो यहाँ पर नाम ऐड करके आप अपनी एक प्रोफेशनल यूज़र नेम आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप अपनी यूज़र नेम आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने प्ले स्टोर से फेसबुक मैसेंजर नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। आप इस फेसबुक मैसेंजर को जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं तो अपने फेसबुक आईडी से इसे कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर रखा है। अब उसके बाद आप जैसे टॉप साइड में अपनी फेसबुक की इस प्रोफाइल पर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक यूज़र नेम का ऑप्शन मिलेगा। आपने अभी तक कोई भी यूज़र नेम क्रिएट नहीं किया है तो सिंपली आप इस यूज़र नेम आईडी पे क्लिक करना है और उसके बाद जो नीचे एडिट यूज़र नेम का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जो यूज़र नेम आप अपनी फेसबुक आईडी का डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं अपने नाम से ही अपनी यूज़र नेम आईडी डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम आईडी कुछ ऐसा डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर यूज़र नेम आईडी ऑलरेडी होगा तो यहाँ पर आपको रॉन्ग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 324 लास्ट में दिया है और उसके बाद मैं यहां से इसको सेव कर दूंगा। तो ये मेरी एक फेसबुक की यूज़र नेम आईडी सेव हो गई। जैसे ही कोई मेरे फेसबुक आईडी को संदीप कुमार 324 या फिर कुछ भी आप अपने नाम से यूज़र नेम आईडी क्रिएट करेंगे और कोई आपके फेसबुक आईडी को सर्च करेगा तो दोस्तों आपकी फेसबुक आईडी फर्स्ट रिजल्ट में उसको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि फेसबुक आईडी को यूजर नेम कैसे क्रिएट करना है। तो आशा करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।